नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव का गुणा करना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको दशमलव का गुणा करने में कहीं भी किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी को एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा के रखिएगा, ताकि जब भी इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, 4.6 को गुणा करना है किससे, 2.3 से, और दूसरा में है 6.43 को गुणा करना है 3.5 से। तो एक एक करके गुणा करेंगे और समझेंगे कि कैसे गुणा किया जाता है। देखिए, जब भी आपको दशमलव का गुणा दिया हुआ रहे तो उस समय आपको करना क्या है, इसको ऐसे लिख लेंगे। देखिए, 4.6 है तो 4.6 लिख लिए, जैसे साधारण गुणा को करते हैं वैसे ही करना है इसको। और ये जो 2.3 है इसको इसके नीचे लिख लेंगे, 2.3, ठीक है। गुणा का चिन्ह है तो यहाँ गुणा का चिन्ह दे दिए। अब आप सभी को ध्यान में रखना है कि ये जो दशमलव है इसे अभी नहीं देखना है, इसको अभी इग्नोर करके चलना है, ठीक है। इसको अभी बिल्कुल नहीं देखना है आपको, जैसे साधारण गुणा किया जाता है उसी तरह से इसको भी गुणा करना है, ठीक है। दशमलव का काम हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, साधारण गुणा का क्या नियम है, अगर दो अंकों का गुणा आपको दे दिया जाता है तो उसको कैसे करते हैं, इससे पहले इन दोनों में से गुणा करते हैं, ठीक है। जितना आता वहाँ इतना लिख करके फिर क्या करते हैं, इस संख्या से ऊपर वाले के दोनों संख्या से गुणा करते हैं, सेम उसी प्रकार करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर 3 से 6 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 × 6 = 18, यानी कि 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। तो 18 का कितना होगा, 18 का 8 हो जाएगा और हासिल हम लोग का बच जाएगा कितना, 1, ठीक है। उसके बाद फिर इस 3 का गुणा किस में करेंगे, 4 में। तो 4 से 3 को गुणा करेंगे, 3 × 4 कितना हो जाए, 12, और हासिल जो 1 बचा हुआ था कितना हो जाएगा, 12 × 1 = 13। तो 13 का पूरा पूरा लिख देंगे अब, क्योंकि गुणा करने के लिए और नहीं बचा हुआ है। अब देखिए, अब ये जो 2 है, फिर इस 2 से सभी में गुणा करेंगे ऊपर वाले के। तो यहाँ 2 से गुणा करिए किस में, 6 में। तो 2 × 6 होता है 12, 12 का हो जाएगा 2, हासिल हम लोग का बच गया कितना, 1। तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर चलिए, इस 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 और 1 जो हासिल बचा हुआ था उसको जोड़ दीजिए, 8 × 1 = 9 हो जाएगा। तो एक अंक यहाँ पर छोड़ करके लिखते हैं हम लोग, तो एक अंक छोड़ दिए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, अब क्या करते हैं, गुणा में क्या किया जाता है, जब दोनों का गुणा हो गया, 3 और 2 से सभी में गुणा हो गया, तो आपस में सभी को ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ लेते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 को जोड़ लीजिए, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 के नीचे कुछ नहीं है। और 3 जोड़ 2 क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 2 = 5 हो जाएगा। और यहाँ पर है 1 जोड़ 9 क्या हो जाएगा, 9 × 1 = 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब देखिए, गुणा करने के बाद हम लोग का इतना आया, ठीक है। अब बात रहा है कि ये जो दशमलव है, आखिर यह दशमलव कहाँ पर आएगा, दशमलव जो दिया गया इसका भी तो काम करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि यह जो दशमलव है इस संख्या में कहाँ पर बैठाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, तो नीचे में 1 अंक और ऊपर में 1 अंक, टोटल मिला कितने हो गए, 2 अंक हो गए। तो आपको यहाँ पर जो गुणा करने के बाद प्राप्त हुआ है, यहाँ पर भी क्या करना है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना। तो इधर से गिनती किया जाता है हमेशा, ठीक है। इधर से गिनती करेंगे, 8 है यहाँ पर और 5 है, तो 1, 2, ये 2 अंक हो गया, और इसके बीच में यहाँ पर दशमलव को क्या करना है, बैठा देना। तो ये हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साधारण गुणा की तरह बनाएंगे और दशमलव को बाद में बिठा लेंगे। चलिए, दूसरा नंबर को लेकर के समझते हैं, इसमें भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, 6.43 है, इसको सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, 6.43, ठीक है। और गुणा में कितना है, 3.5, गुणा का चिन्ह दे देंगे, 3.5। ये भी एक प्रकार का 2 अंक का ही गुणा है। अभी आपको दशमलव पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, दशमलव का काम हम लोग बाद में करते हैं, जैसा कि इसमें किए हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें भी समझ लीजिए क्या करना है, इसको 5 को इन सभी से गुणा कर लेना है। तो 5 से गुणा कीजिए 3 में, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 का 5 हासिल बच गया कितना, 1, ठीक है। फिर 5 से इस 4 में गुणा करेंगे, 5 × 4 = 20, 20 और जो हासिल 1 बचा हुआ था उसको जोड़ देंगे, 20 × 1 = 21 हो जाएगा। 21 का 1 लिखेंगे, हासिल हम लोग का कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। हासिल का अब 2 बच गया। अब फिर इस 5 से किस में गुणा करेंगे, इस 6 में गुणा करेंगे, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा,
30 होगा, और यहाँ पर जो 2 हासिल बचा हुआ था उसको भी जोड़ दीजिए, 32 हो जाएगा 32। 32 को यहाँ पर पूरा पूरा लिख लेंगे, क्योंकि आगे अब गुना करने के लिए नहीं बचा हुआ है। लेकिन अब ये जो 3 है नीचे में, इस 3 से सभी में फिर गुना करेंगे, 3 से गुना नहीं किए हैं तो इससे गुना कर लेंगे। इससे गुना करने के बाद जो आएगा यहाँ पर एक अंक को छोड़ करके यहाँ से लिखते जाएंगे। तो गुना करिए, 3 का गुना 3 से करेंगे, 3 त्याही कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एक अंक छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 3 का गुना 4 से करेंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, 12 का हो जाएगा यहाँ पर 2, हासिल बच जाएगा कितना, 1, तो 1 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना कर, फिर जो है 3 का 6 से गुना करेंगे, 3 का 6 से जब गुना करें 3 चौके 18, और 1 जो यहाँ पर बचा हुआ है, 1 बचा हुआ 18 में जोड़ लेंगे, 18 कितना हो जाएगा, 19, 19 यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, जब गुना कर लिया जाता है तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे को जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, यहाँ पर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 ही होगा, और यहाँ 9 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 9 एक 10, 10 का क्या हो जाएगा, 0 होगा, हासिल बचा हम लोग का 1। उसके बाद 2 जोड़ 2 4, 4 एक कितना हो जाएगा, 5, हासिल कुछ नहीं बचा यहाँ पर। 3 और यहाँ 9 है नीचे में, तो 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 को हो गया 2, हासिल बचा हुआ 1, ठीक है। उसके बाद 1 यहाँ पर है, इसके ऊपर में कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हासिल जो बचा 1 में जोड़ लीजिए खाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1 2। अब बात रहा, देखिए इतना हम लोग को जोड़ के आ गया अंतिम में, प्राप्त हो गया, ठीक है। अब बात रहा कि ये दशमलव आखिर कहाँ पर आएगा, दशमलव कहाँ बैठाएंगे, तो दशमलव बैठाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ गिनती कर लेना, ऊपर वाले में कितने अंक के बाद दशमलव, ऊपर वाले में 2 अंक के बाद है, 1 2, है ना, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, और नीचे वाले में 1 अंक के बाद है, तो टोटल मिला के हो गया 3 अंक। 3 अंक यहाँ पर भी गिनती कर लेंगे और दशमलव को बैठा लेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 अंक हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दशमलव को बैठा देंगे। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 22.505, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से दशमलव का गुणा को बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।